Okay, so you are unable to find a good haircut for yourself. तुम जाते हो इंटरनेट पर और तुम सर्च मारते हो कि what are the best hairstyles for my face. तो तुम्हें पता चलता है कि hairstyles फेस शेप पे डिपेंड करते हैं. अगर तुम्हारी फेस शेप स्क्वायर है तो उस पर कोई एक हेयर स्टाइल अच्छा लगे, और तुम्हारी अगर ओवल है तो कोई और. तुम अपना फेस शेप देखते हो, तुम अपनी हाइट नापते हो फेस की, तुम विड्थ नापते हो फ्रिंजेस ऊपर करके, और तुम देखते हो कि तुम्हारा फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल कौन सा बढ़िया है. इंटरनेट पर सब कुछ ये सब गिवन है, लेकिन ये सबसे बेकार मेथड है. तुम्हारा फेस शेप एकदम एग्जैक्ट फेस शेप नहीं होता कभी भी, जो कि तुम इंटरनेट पे ढूंढते हो, जो चार्ट वगैरह होते हैं. तुम्हारा फेस शेप हमेशा थोड़ा डिफरेंट रहता है. आज मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा जिससे कि तुम अपने लिए बेस्ट हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो, और जो दूसरा तरीका है वो इतना फास्ट है ना, इतना बेस्ट तरीका है कि तुमने कहीं भी नहीं सुना होगा. तो सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें करनी है एक बढ़िया हेयर स्टाइल के लिए, वो है एक्सपेरिमेंटिंग. गंजे हो जाओ. बेस्ट मेथड इज टू रिमूव ऑल द हेयर्स, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम बेस्ट हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो. बैक इन 2023 जनवरी मैं भी गंजा हो गया था. मेरे को पता नहीं था, मैं तो खैर दूसरे रीजन की वजह से गंजा हुआ था, लेकिन दैट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. उससे मेरे को पता चला मेरे लिए बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा है. तो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स रहते हैं, ठीक है, एंड द बेस्ट मेथड इज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो तुम क्या करो, गंजे हो जाओ और फिर थोड़ा लेट इट ग्रो. उसके बाद तुम बस का ट्राई कर सकते हो. थोड़ा और ग्रो हो जाए तो तुम फेड मिलिट्री का ट्राई कर सकते हो. थोड़ा और ग्रो हो जाए तो तुम टेपर वगैरह ट्राई कर सकते हो विद फ्रिंजेस. तो अलग अलग तरह के तुम कट्स अपनी जर्नी में अप्लाई कर सकते हो. इसमें तुम्हें 6 से 7-8 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये तुम्हें एक बेस्ट ऑप्टिमाइज मेथड बता देगा जिससे कि तुम एक बढ़िया हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो अपने लिए. इसी मेथड की वजह से मेरे को अपना हेयर स्टाइल पता चला. मैं यूजुअली टेपर फेड करवाता हूँ और थोड़ा ग्रो होने देता हूँ, उसके साथ मैं मेसी हेयर रखता हूँ फ्रिंजेस के साथ. तो अब तुम पूछोगे भाई तेरे को इतने सारी नॉलेज कैसे है, मतलब हेयर कट्स पता कैसे करें. तो देयर इज एन ऐप कॉल्ड एज पिंटरेस्ट. तुम पिंटरेस्ट पर जाकर सर्च मार सकते हो हेयर कट फॉर मेन. वहां पर जाकर तुम्हें पता चलेंगे अलग अलग तरह की हेयर कट्स. वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं, बहुत सारे सजेशन आ जाएंगे, जो कि बेस्ट है जिससे कि तुम अपने पास एक ऑप्टिमाइज्ड हेयर कट ढूंढ सको. छोटी सी टिप है मेरी साइड से, अगर तुम्हारा चेहरा बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो तुम ट्राई करना कि तुम लॉन्ग हेयर यूज करो, क्योंकि लॉन्ग हेयर ज़्यादा बेटर रहते हैं, जिससे वो छुपा लेते हैं कि जो तुम्हारा माथा होता है वो छोटा ना देखे, तुम्हारा सर छोटा ना देखे बॉडी के कंपैरिजन में. तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम लॉन्ग हेयर रखो अगर तुम्हारे पास एक छोटा चेहरा है. अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके पर जिससे कि तुम एक बढ़िया हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो, एंड दैट वे इज टू लुक एट द सेलिब्रिटी फिनोटाइप. तो ये तरीका बेसिकली कहता है कि कोई ना कोई तो सेलिब्रिटी होगा जिसकी शक्ल तुम्हारे से मैच करती होगी, मतलब जिसका फेस टाइप तुम्हारे से मैच करता होगा. उसने कोई ना कोई हेयर स्टाइल रखा होगा. भाई ये लोग 80-90 हज़ार रुपये हेयर स्टाइलिस्ट पर डालते हैं. इनके हेयर स्टाइलिस्ट पूरी अच्छी तरह से देखते हैं कि इनके लिए बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा रहेगा और ये बेस्ट हेयर स्टाइल में कैसे लगेंगे. तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, इन्हें कॉपी करना है. जो भी सेलिब्रिटी तुम्हारे जैसा फेस शेप का हो, ठीक है, तुम्हें ढूंढना है क्लोजेस्ट टू यू, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा वो, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं भाई, हर कोई यार सेम तो नहीं दिखता, लेकिन तुम अपने से क्लोजेस्ट बंदा ढूंढ सकते हो. और जो भी तुम्हें सेलिब्रिटी दिखता है बस उसके हेयर स्टाइल शेप लो, 100% तुम्हें शेप नहीं है, 99% चांसेस हैं कि तुम पे वो हेयर स्टाइल सूट करेगा. लेकिन अगर नहीं करता तो यू ऑलवेज हैव सेकंड ऑप्शन, दूसरा वाला बंदा ढूंढ लो, उसका हेयर स्टाइल शेप लो. कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट मारना है. सिंपलेस्ट तरीका है, इजीएस्ट तरीका है जैसे कि तुम एक बेस्ट हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो. इस वीडियो को मैंने छोटा रखूंगा क्योंकि मेरे को फालतू की बकवास करनी नहीं है, मेरे को बस काम से काम की बातें रखनी थी. दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट करते रहे, बदल रहा हूँ मैं जान.